नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको डोरी स्टिच बताने जा रही हूँ। डोरी स्टिच में पहले चैन स्टिच बनाते हैं, उसके बाद में डोरी स्टिच बनती है। चैन स्टिच ऐसे बनेगी। पहले चैन स्टिच से पूरे फूल की आउटलाइन कर लेंगे, इसी के ऊपर दूसरे कलर से डोरी स्टिच बनेगी। अपनी इच्छा अनुसार अपना कलर लगा सकती हूँ। चैन स्टिच सुई को के अंदर से धागा निकालेंगे, जैसे ये निकाला है ऐसे, फिर इसके अंदर डाल के फिर ऐसे निकालेंगे। ये मैंने पूरे फूल की आउटलाइन कर ली है चैन स्टिच से। इसी तरीके से पत्तियों की भी आउटलाइन कर लेंगे। जैसे फूल की है ऐसे पत्तियों करेंगे। ये मैंने पूरा फूल बना लिया है। अब मैं इसमें इसके ऊपर डोरी बनाना बता रही हूँ। डोरी ऐसे बनती है। जो चैन स्टिच बनाई है इसके नीचे से धागे इस तरीके से, ये इस तरीके से निकालते जाएं। ऐसे ये धागा धागे के नीचे से निकालना, कपड़ा ना लेना, कपड़ा लेने से ठीक नहीं बनेगी। ये हमने डोरी स्टिच बना ली है और ऐसे ही डोरी स्टिच इसमें भी बन जाएगी। अपने इच्छा से जैसा कलर पसंद हो वैसा लगा लो, चाहो तो इसको भर भी सकती हो, तो आउटलाइन कर लो जैसी डिजाइन चाहो वैसी डिजाइन से बना लो इसको। ऐसे ही पूरा फूल बन जाएगा। ऐसी पत्तियां बनेंगी। ये फूल हमारा बन गया है। अब इसी तरीके से
हम पत्तियां बना लेंगे। कलर अपनी इच्छा अनुसार लगा लो जैसा पसंद हो। ये पूरा फूल बनकर तैयार हो गया है। चाहो तो सादा रखो और चाहो तो मोती लगा लो। मोती इस तरह लगेगी। मैंने ये फूल बनाकर तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए धन्यवाद।